दोस्तों आपको पता होगा मोबाइल टैबलेट ये सब विस्फोट होने हो रहा है, ऐसा बहुत न्यूज़ निकल के आ रहा है सामने। कुछ दिन पहले मतलब फिलहाल ही एक टैबलेट, एक 11 साल के बच्चे ने टैबलेट को इस्तेमाल करने के बाद उसे एक तकिए के बगल में रख दिया था, तो वो इतना गर्म हो गया, गर्म होने की वजह से वो तकिया मतलब उसमें आग लग के तकिया को आग पकड़ लिया था, बस मरते मरते वो बच्चा बच गया। तो इसी के बारे में बात करेंगे कि मोबाइल टैबलेट आखिर में ब्लास्ट क्यों होता है और इसमें आग क्यों लगता है। दोस्तों मोबाइल हो या टैबलेट हो या लैपटॉप हो, ये ब्लास्ट होने का चांसेस या आग लगने का चांसेस तभी होता है अगर ये कोई ब्रांडेड कंपनी का नहीं है। मतलब अगर आपका ये सामान, ये प्रोडक्ट किसी ब्रांडेड कंपनी का है तो ये फटने का चांसेस या ब्लास्ट होने का चांसेस एकदम 0% है, क्योंकि कंपनी जब इसको लॉन्च करता है तो बहुत तरह का टेस्ट करने के बाद इसे बाजार में लॉन्च करता है। लेकिन अगर आप कहोगे ये फिर भी ब्लास्ट होता है, तो ब्लास्ट होने के कुछ कारण मैं आपको बताऊंगा, आप सुन लीजिए। दोस्तों मोबाइल ब्लास्ट या आग लगने का सबसे पहला कारण है चार्जर। अगर आपका फ़ोन में जो चार्जर दिया गया है उससे अलावा, अगर आपका समझ लीजिए आपका चार्जर खो गया और आप किसी दूसरे यानी थर्ड पार्टी के चार्जर लेकर आप चार्ज दे रहे हो, तो इसमें आपका मोबाइल ब्लास्ट या आग लगने का चांसेस है। क्योंकि अब फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए आपके मोबाइल को चार्ज लेने का क्षमता है 10%, आप उसमें दे रहे हो 50% पावर, तो ये तो ब्लास्ट होगा या आग लगेगा ही ना। और दोस्तों यहाँ पे मोबाइल ब्लास्ट होने का दूसरा कारण यही है कि मोबाइल में जो बैटरी दिया जाता है वो बैटरी का एक एक्सपायर डेट होता है। उस एक्सपायर डेट हो जाने पर आपका बैटरी मतलब चार्ज लेने का क्षमता या मोबाइल चलाने का क्षमता उसमें कम हो जाता है, तो इसी के द्वारा ब्लास्ट हो सकता है। अगर नहीं होता है तो आप उसमें अगर कोई नया बैटरी खरीदते हो, अगर आप सिर्फ जैसे फॉर एग्जांपल समझ लीजिए ये फ़ोन आपका सैमसंग का फ़ोन है, तो आप सैमसंग का उसी मॉडल नंबर का अगर बैटरी खरीदते हो तो आपका मोबाइल सुरक्षित है। लेकिन आप अगर आप किसी और कंपनी से 100-200 रुपये में अगर कोई बैटरी खरीद के मोबाइल चलाते हो तो इसमें आपका मोबाइल फटने का या ब्लास्ट होने का चांसेस है। और मोबाइल ब्लास्ट होने का तीसरा कारण यही है कि कुछ लोग क्या करते हैं, रात को सोने के टाइम मोबाइल को चार्ज में लगा देता है। और आपको पता होगा मोबाइल जब हम चार्ज में लगाते हैं तो मोबाइल में जब चार्ज 100% यानी 100% फुल हो जाता है तो मोबाइल चार्जर में एक ऑटो कट लगा हुआ होता है, तो उसी ऑटो कट मतलब जब भी फ़ोन चार्ज फुल हो जाएगा तो ऑटो कट वो बंद हो जाएगा, मतलब और चार्ज नहीं लेगा। अगर गलती से आपका चार्जर या आपका फ़ोन में ऑटो कट सिस्टम खराब हो गया हो तो आपका बैटरी की क्षमता कम हो जाती है और बाद में वो फ़ोन आपका ब्लास्ट होने का चांसेस बढ़ जाता है। यानी ऑटो कट खराब हो गया, आप रात को फ़ोन चार्ज में देकर सो जाते हो, फ़ोन गर्म होते 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 अचानक ब्लास्ट हो जाता है। तो इसके लिए आप सतर्क हो जाए कि रात को फ़ोन चार्ज देते वक्त आप अपने फ़ोन पर ध्यान रखें या फ़ोन को खोल कर मतलब बिना चार्ज देते हुए आप सो जाए, वरना ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। और दोस्तों यहाँ पे अगला कारण आता है कि कुछ लोग होते हैं फ़ोन को तकिए के नीचे रखकर सोने की आदत है उनको। दोस्तों फ़ोन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हमेशा ठंडा की ज़रूरत पड़ती है। आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर जितना ठंडा प्रोवाइड करोगे मतलब जितना ठंडे में रखोगे वो उतना ज़्यादा बेहतर चलेगा। अगर आप उसको रात को सोने के टाइम तकिए के नीचे रखते हो ऑन करके, तो वो फ़ोन तो ऑन है मतलब उसका पूरा सिस्टम चालू है, तो इसमें भी आपका फ़ोन ब्लास्ट होने का चांसेस ज़्यादा है और आपका जान का भी खतरा है अगर आप अपने फ़ोन को तकिए के नीचे रखकर सोते हो। दोस्तों प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ फ़ोन को तकिए के नीचे रखकर सोने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसमें आपका जान का खतरा हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को जरूर आप ख्याल करके अपने फ़ोन के इस्तेमाल करें। दोस्तों फ़ोन के लिए जान का खतरा ये बहुत गलत बात है। दोस्तों प्लीज़ इस चीज़ों को अपने ध्यान में रखते हुए अपना फ़ोन चलाएं। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपके मन में कुछ बोलने का है मेरे को तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हो। बस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।